कुछ थकावट उतरी? जी बड़ा जी घबरा रहा है मेरा। वैसे ये सब आपको रात को नहीं करना चाहिए था। भाई मुझे क्या पता कि वो कौन है। जिस तरह से वो आधी रात को हमारे सरों पे खड़ा हमें घूर रहा था, मुझे तो यही लगा कि वो कोई चोर उचक्का ही होगा। वो जो भी था वो नहीं था जो नजर आ रहा था। काश मैं रात को ही उससे बात कर लेती। कोई मजनू दीवाना सा लग रहा था मुझे तो। उसके आंसू बहते देखकर मेरा तो पूरा वजूद ही हिल गया था। बस भाई मुझे डराओ मत रुमाना बेगम, मैं पहले ही दिल दुखाने की सजा से बहुत डरती हूँ, और फिर ऐसे मज़्ज़ूब की बद्दुआ, मैं तो इसी जुमेरात पीर साईं के मजार पे जाके न्याज दूँ, और कफारा भी। तुम भी साथ ही चलना। एक कप चाय ले आना। लेकिन पहले मैं साईं सिकंदर की हवेली जाऊंगी। इस वक्त तो इनको होश ही नहीं होगा यहाँ आने का। मैं खुद ही हवेली जाके पुरसा दे आती हूँ। तुम हवेली कैसे जा सकती हो? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम जैसी ऐसी ऊंची और इज्जतदार जगहों पर जाने पर ममानियत है। बस चंद घड़ियों के लिए जाना चाहती हूँ, चाहे दरवाजे से ही लौट आऊं, लेकिन मेरा जाना जरूरी है। आप मेरी बात समझिए। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ इंतजाम। माई सुगरा को साथ लेकर जाना, अकेली मत जाना, वहां ज्यादा देर मत रुकना। नीचे आ जाओ, नाश्ता लगवा रही हूं। आप कुछ ज्यादा फ्री नहीं हो रहे? हाँ तो क्या हुआ? हाँ क्या मेरा? क्योंकि आज से आप मेरी हैं।